सांसद रामकृपाल यादव ने NH-83 पटना गया फोर लेन पुनपुन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि NH-83 गया फोर लेन पुनपुन प्रखंड के ग्राम चिनवेला गया अकौना मोर SMD कॉलेज के सामने और अंदर होकर बनाने की बात की गई है। इस मौके पर धीरेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पटेल पुनपुन नगर पंचायत अध्यक्ष भूटाली कुमार उपाध्यक्ष राजकुमार नीरज गुप्ता के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि पुनपुन वासियों ने अपील किया था कि पुनपुन होकर फोर लेन सड़क का निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण किया जाए, जिसके लिए मैं आज पुनपुन स्थित गया फोर लेन का निरीक्षण करने आया हूं। वहीं शिक्षकों को जातीय जनगणना हेतु ड्यूटी पर लगाने की बात पर रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार ने पहले भी कहा है कि शिक्षक को पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। जिन्होंने डिमांड है ना, वैसे भी नेशनल हाईवे का एक सर्वे जब रोड का होता है तो जहाँ जहाँ इस तरह का आने जाने का रास्ता पहले से अवस्थित है या पानी का निकासी है, क्योंकि यह इलाका गांव का भी इलाका है, सिंचाई की भी सुविधा है लोगों को आने जाने के लिए, पानी की सुविधा सिंचाई की सुविधा, जहाँ जहाँ बाधित होता है ऑलरेडी बनाने का प्रावधान रहता है। न जाने क्यों यहाँ पर अभी तक जिन लोगों ने सर्वे किया होगा जो अधिकारी थे वो काहे नहीं कर पाए। अब से कोई एक महीना पहले मुझे मैं कौना गांव गया था तो लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित करवाया था, तो उसी समय मैंने संबंधित अधिकारी जो PD हैं NHI के उनका मैंने ध्यान आकर्षित करवाया था। आज फिर मैं आया हूँ, अभी स्पॉट पर मैं देख रहा हूँ कि स्थिति बहुत ही ख़राब है। 20-25-30 गाँव का आने जाने का रास्ता एकमात्र ही है, अगर यहाँ NH बन जाएगा तो कैसे जाएंगे आने जाने का लोग, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, पानी का मार्ग जाने का अवरुद्ध हो जाएगा। तो मैंने आज यहाँ के जो गया के जोन के जो PD हैं NHI का उनका मैंने ध्यान आकर्षित करवाया है। हमने कहा है तुरंत आइए देखिए उसका निदान निकालिए। काफ़ी लोगों ने अभी कहा है कि उन लोगों को खेती के लिए भी एक अलग से रास्ता की जरूरत है, जिनके लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। आएंगे देखेंगे जो उचित होगा, किसानों की सुविधा आम लोगों की सुविधा निकालेंगे, उसका प्रावधान भी है। आपने देखा होगा और भी रोड, ये जो कन्हौली से लेकर के रामनगर तक नेशनल हाईवे बन रहा है पटना जो रिंग रोड है, यहाँ पर आपने देखा होगा कई गांव के पास इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो बड़ी आबादी अफेक्टेड हो रही है और स्वाभाविक है कि लोगों ने अगर चिंता जाहिर की और मेरा ध्यान आकर्षित कराया है किया है तो स्वाभाविक है इससे पहले भी इन लोगों ने आवेदन दे रखा है। चाहिए था उसी आवेदन के आलोक में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का और एक यहाँ प्रावधान करना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, दुखद है। मैंने कहा है कि आप आइए सोल्यूशन निकालिए और लोगों को समस्या का निदान निकालिए। लोगों ने संघर्ष किया है, जान दिया है, इसलिए इस धरती को प्रणाम करते हैं। क्या लगता है कि सर अभी बिहार में विकास हो रहा है? बिहार में विकास हो रहा है कौन? बिहार में सर बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसा है आपको भली भांति सब लोग जानते हैं, सारे शिक्षक को जनगणना में लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? क्या अरे जनगणना का भी तो काम होना चाहिए ना, सब कौन शिक्षक कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने देखा था कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा कोई काम दूसरा नहीं लिया जाएगा, सरकार का आदेश मैंने देखा, इसका ध्यान रखा जाएगा, जनगणना जरूरी है। चलिए।